मेरा नाम रोहन है, मेरा घर तिनसुकिया में है। अब मैं जोरहाट में रहता हूँ। जोरहाट में आना मुझे कुछ दिन ही हुआ है। कुछ दिन पहले जोरहाट में मुझे एक जॉब मिला था। मैं जॉब मिलने के बाद जोरहाट में ही एक छोटा सा घर रेंट पे लिया और रहने लगा। अब मेरा हर रोज का जिंदगी सुबह को जल्दी से उठना, जल्दी से उठ के टूथवाश करना, टूथवाश करने के बाद ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकलना, फिर शाम को ऑफिस का काम खत्म करके घर के लिए निकलना, घर में आने के बाद डिनर करके सो जाना। ये घर थोड़ा सा बड़ा है, मैं अकेला ही रहता हूँ। कभी कभी अपने घर की भी याद आती है। जब ऑफिस में रहता हूँ तब अच्छा ही लगता है। ऑफिस में लोगों के साथ यहाँ वहाँ की बातें करके रहता था। जब एक दिन ऑफिस में यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था तब एक एम्प्लॉय ने मेरे रेंट पर लिया हुआ घर के बारे में बोला कि उस घर में भूत प्रेतों का साया है। लेकिन मैंने उसकी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर किया क्योंकि मैं भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिलीव नहीं करता हूँ। उसकी बातों में कितनी सच्चाई है नहीं जानता हूँ। उस दिन बाद घर में अलग अलग सा इंसिडेंट होने लगा, जैसे लाइट के बल्ब अपने आप ही ऑफ होना, जैसे घड़ी और पेंटिंग अपने आप ही हिलना, जैसे बंद दरवाजा अपने आप ही खोल जाना। एक दिन ऑफिस से घर आना थोड़ा लेट हुआ। घर पहुंच के देखा कि ड्राइंग रूम में एक आदमी बैठे हुए हैं। मैं मन ही मन सोचा, दरवाजा पर तो मैंने ताला लगा के ऑफिस गया था, अभी भी मैं चाबी से ताला खोल के अंदर आया हूँ। कौन है वो, कैसे अंदर आया? फिर धीरे धीरे से उसके पास गया और उसको पूछा, कौन हो तुम, क्यों मेरे ड्राइंग रूम में ऐसे बैठे हो? तब उसने बोला, ओह सॉरी, मैंने सोचा था यहाँ अब कोई भी नहीं रहता है। तुमसे पहले तुम्हारी तरह मैंने भी इस घर को रेंट पर लिया था और इस घर में रहता था। मेरे कुछ चीजें यहाँ पर रह गया था, उसे लेने के लिए आया हूँ। तब मैंने बोला, तुम अंदर कैसे आए? तब उसने बोला, इस घर में अब भी वही पुराने ताले लगे हुए हैं, जिसका चाबी उसके पास भी है। वो बात सुन के मैंने घर के मालिक को फोन लगाया। हेलो साहब जी, मैं जब घर में नहीं था तब आपका एक पुराना किरायेदार घर का ताला खुलकर घर के अंदर आकर बैठा हुआ था। आपने पुराने ताला को क्यों अब तक चेंज नहीं किया? घर के ताला का चाबी उसके पास भी है। पुराना किराएदार? तुमसे पहले वहाँ तो केवल एक ही लड़का रहता था। बट वो लड़का नहीं हो सकता। हाँ वही होगा। That's impossible. Impossible? क्यों impossible? क्यों नहीं हो सकता है? Impossible क्योंकि तुम जिस लड़के के बारे में बोल रहे हो उसका एक साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गया। Ha 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 ha